नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैविटी वॉल के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज ए कैविटी वॉल। तो दोस्तों कैविटी वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विथ टू सेपरेट वॉल्स फॉर सिंगल वॉल पर्पस विथ सम स्पेस और कैविटी बिटवीन देम। तो इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर देख सकते हैं और एक वॉल है। ओके, तो इन दोनों वॉल के बीच में कैविटी और गैप रहता है। तो ये दोनों वॉल मिलके एक सिंगल वॉल की तरह काम करता है, इनको हम लोग कहते हैं कैविटी वॉल। इस पिक्चर पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर और एक वॉल है, इन दोनों वॉल के बीच में कुछ गैप है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं कैविटी वॉल। तो दोस्तों कैविटी वॉल में ये जो गैप होता है, इन गैप में सिंपली एयर रह सकता है जो कि नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करता है, या फिर यहाँ पर आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो अब आप लोग जान गए हैं कैविटी वॉल क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ कैविटी वॉल के बारे में, क्यों हम लोग कैविटी वॉल बनाएंगे। तो पहला पर्पस है देखिए डैम प्रिवेंशन, दूसरा है साउंड इंसुलेशन, तीसरा है थर्मल इंसुलेशन, चौथा है दोस्तों इकोनॉमी। तो मेनली इन चारों रीजन से हम लोग कैविटी वॉल को बनाते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ कैविटी वॉल के बारे में, एक कैविटी वॉल में कौन सा पार्ट्स होता है। तो दोस्तों टू सेपरेट वॉल आर कॉल्ड एज लिप्स ऑफ कैविटी वॉल। तो एक कैविटी वॉल में दो वॉल होता है, यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर और एक वॉल है। तो इन दोनों वॉल को हम लोग कहेंगे लिप्स ऑफ कैविटी वॉल। द इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटरनल लिप एंड आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिप। मान लेते हैं ये है इंटरनल वॉल जो कि घर की अंदर की तरफ है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनल लिप। ओके, और ये मान लेते हैं घर की बाहर की तरफ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लिप। ओके, कैविटी वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो वॉल, इनको हम लोग हॉलो वॉल भी बोल सकते हैं। फॉर नॉन लोड बियरिंग कैविटी वॉल टू लिप्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस और समटाइम इंटरनल लिप विथ मोर थिकनेस इज प्रोवाइडेड। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए दो वॉल होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिप और इसको मान लेते हैं इंटरनल लिप, और इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। ओके, अब दोस्तों अगर वॉल कोई लोड बियर नहीं कर रहा है तो उस केस में दोनों वॉल की थिकनेस हम लोग सेम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो इनर वॉल है इसका थिकनेस हम लोग ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कैविटी साइज शुड बी इन बिटवीन 40 to 100 mm। तो इन दोनों वॉल के बीच में जो कैविटी और गैप है इसका साइज कितना होना चाहिए, 40 mm से लेके 100 mm, 40 mm से कम नहीं होगा, 100 mm से ज्यादा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिप शुड हैव एटलीस्ट 75 mm थिकनेस। ओके, जो इंटरनल लिप है और जो एक्सटर्नल लिप है इनकी थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए, 75 mm थिक। नेक्स्ट पॉइंट है द टू लिप्स आर इंटरकनेक्टेड बाई मेटल टाइज और लिंक्स। तो दो वॉल देखिए मेटल टाइज और लिंक्स से इंटरकनेक्टेड होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कैविटी वॉल, यहां पर आप देख सकते हैं एक वॉल है। ओके, और यहां पर देखिए और एक वॉल है इस तरीके से। इन दोनों वॉल के बीच में क्या है, गैप, ये क्या है दोस्तों, गैप। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं कंक्रीट फ्लोरिंग, मतलब ये जो वॉल आप देख पा रहे हैं ये कौन सा वॉल है, ये है दोस्तों इंटरनल लिप, इंटरनल लिप। ओके, और ये क्या है दोस्तों, ये है एक्सटर्नल लिप, एक्सटर्नल लिप। समझ में आ गया है कौन सा है इंटरनल और कौन सा है एक्सटर्नल। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों, ग्राउंड लेवल। ओके, ये है दोस्तों ग्राउंड लेवल। अब मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। तो दोस्तों क्या बोल रहा है देखिए, द कैविटी वॉल इज जनरली सेट सेंट्रली ओवर द कॉन्क्रीट बेस विदाउट एनी फुटिंग। ओके, जनरली जो वॉल्स होता है यहाँ पर आप लोगों ने देखा है फुटिंग रहता है, स्ट्रेट फुटिंग रहता है। ओके, इस तरीके से कुछ फुटिंग रहता है। ओके, बट यहाँ पर देखिए कोई फुटिंग नहीं है, ओनली एक कॉन्क्रीट बेस हम लोगों ने बनाया है। ये क्या है दोस्तों, एक कॉन्क्रीट बेस।
According to IS recommendation, the lower portion of the cavity may be filled with lean concrete into few centimeter above the existing ground level. तो ये क्या है दोस्तों, ground level, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लीव के बीच में हम लोग कॉन्क्रीट से फिल कर देंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट से हम लोग इस तरीके से इसको फिल कर देंगे. ओके, लीन कॉन्क्रीट से हम लोग इनको फिल कर देंगे, क्योंकि देखा गया है जो ग्राउंड लेवल के नीचे कैविटी वॉल की कोई काम नहीं रहता है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्क्रीट से फिल कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए द टॉप ऑफ द फिलिंग शुड बी स्लोप्ड. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप पोर्शन है इस तरीके का नहीं है. ओके, इस तरीके से आपका स्लोप बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप बना हुआ है. ओके, विथ वीप होल्स एट 1 मीटर इंटरवल अलोंग द आउटर लिप ऑफ द वॉल. ये है दोस्तों आउटर लिप, तो इस आउटर लिप पे आप कुछ होल देख सकते हैं, वीप होल. जनरली हम लोग रखते हैं, अगर कोई मॉइस्चर इस गैप के बीच में आ भी गया है तो स्लोप से आएगा और इस स्वीप होल से बाहर निकल जाएगा. तो इन स्वीप होल को हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर इंटरवल में हम लोग प्रोवाइड करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर इनर लीफ एंड फेसिंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर आउटर लीफ. ओके, आउटर लीफ में हम लोग फेसिंग ब्रिक यूज कर सकते हैं और इनर वॉल पे हम लोग नॉर्मल ब्रिक को यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों वॉल पे ही आप नॉर्मल ब्रिक को यूज कर सकते हैं. डिफरेंट मैसनरी इज यूज्ड फॉर कैविटी वॉल लीफ्स. ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, द लीव्स आर कनेक्टेड बाई मेटल टाइज और वॉल टाइज विच आर जनरली मेड ऑफ स्टील एंड आर रस्ट प्रूफ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों एक्सटर्नल लीफ और यह है दोस्तों इंटरनल लीफ. ओके, तो इन दोनों वॉल्स के बीच में हम लोगों ने मेटल टाइज और वॉल टाइज को यूज करते हैं, तो ये इन दोनों वॉल को इंटरकनेक्टेड रखता है. ओके, तो ये स्टील से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो सकता है, इस तरीके की शेप की हो सकता है, इस तरीके का शेप भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में अवेलेबल होता है और ये रास्ट प्रूफ होता है. ओके, अब दोस्तों अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली इनके बीच में अगर हम लोग स्पेसिंग देखें तो मैक्सिमम कितना होता है, 900 mm. ओके, और वर्टिकली अगर हम लोग स्पेसिंग देखें तो ये कितना होता है, 450 mm की. ओके, द वॉल टाइज आर प्रोवाइडेड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट कैरी एनी मॉइस्चर फ्रॉम आउटर लीफ टू इनर लीफ. तो इस तरीके से हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं कि बाहर की वॉल से मॉइस्चर अंदर की वॉल पे ना आए. ओके, इसके बाद देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर हाफ ब्रिक थिकनेस लीव. ओके, अगर हम लोग हाफ ब्रिक थिक लीव बना रहे हैं उस केस में हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड यूज कर सकते हैं. तो स्ट्रेचर बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है. क्या होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो इस लेसन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं. ओके, एंड फॉर 1 brick थिकनेस और मोर थिकनेस इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड टाइप कंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड. अगर एक ब्रिक से ज्यादा थिक वॉल आप बना रहे हैं उस केस पे आप इंग्लिश बॉन्ड यूज कर सकते हैं या फिर फ्लेमिश बॉन्ड यूज कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट है देखिए, व्हाइल लाइंग ब्रिक्स केयर शुड बी टेकन विदाउट फिलिंग द कैविटी विद द सीमेंट मोटर. जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर वॉल बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर मोटर डालेंगे और मोटर डालने के वक्त क्या हो सकता है, जो कैविटी है कैविटी पे आपका मोटर गिर सकता है. ओके, तो इसके वजह से जो पर्पस है ये फुलफिल नहीं होगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिवेंट मोटर ड्रॉपिंग इन कैविटी, कैविटी पे मोटर ना गिरे, इसलिए हम लोग वुडन बैटन्स को यूज करते हैं इन द कैविटी विथ सुइटेबल डायमेंशन. ओके, एक सुइटेबल डायमेंशन पे हम लोग वुडन बैटन्स को यूज करते हैं. दिस बैटन्स आर सपोर्टेड ऑन वॉल टाइज एंड व्हेनेवर द हाइट ऑफ द नेक्स्ट वॉल टाई लोकेशन इज रीच देन द बैटन्स आर रिमूव यूजिंग वायर्स और रोप्स एंड वॉल टाइज आर प्रोवाइडेड. ओके, तो ये जो बैटन्स आप देख पा रहे हैं, ये जो वॉल टाइज है इसके ऊपर सपोर्टेड रहता है. जब हम लोग कुछ हाइट तक हम लोग वॉल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर इस बैटन को रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग वॉल को कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा. अब दोस्तों जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैविटी वॉल्स के बारे में. तो पहला एडवांटेज है देखिए, एक्सटर्नल मॉइस्चर डैम्पनेस कैनॉट ट्रैवल इनसाइड द बिल्डिंग. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वॉल है इन दोनों वॉल के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसके वजह से अगर मॉइस्चर आता भी है तो एक्सटर्नल लिप पे रहेगा, इंटरनल लिप पे आपका जा नहीं पाएगा. ओके, तो इसलिए डैम्पनेस यहाँ पर होता नहीं है.
नेक्स्ट है दोस्तों, कैविटी वॉल्स हैव अबाउट 25% ग्रेटर इंसुलेटिंग वैल्यू देन द सॉलिड वॉल्स। जो सॉलिड वॉल होता है उनसे ज़्यादा इंसुलेटिंग वैल्यू होता है, क्योंकि देखिए जो गैप होता है इन गैप में रहता है एयर, और एयर नेचुरल इंसुलेटर की तरह पे काम करता है। इट बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन टू लिप्स ऑफ कैविटी वॉल इज फुल ऑफ एयर एंड रिड्यूस हीट ट्रांसमिशन इन टू द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। बिल्डिंग के आउटसाइड से जो हीट आ रहा है इसको इंटरनल लिप पे ये ट्रांसमिशन नहीं करता है, क्योंकि बीच में देखिए एयर है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, आउटर एफ्लोरोसेंस इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। आउटर एफ्लोरोसेंस यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर चीपर एंड इकोनॉमिकल। नॉर्मल जो सॉलिड ब्रिक वॉल होता है उनसे इकोनॉमिकल होता है और चीपर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो एक्ट एज गुड साउंड इंसुलेटर। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में एयर है, ऑब्वियसली ये गुड साउंड इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, दे ऑल्सो रिड्यूस द वेट ऑन फाउंडेशन बिकॉज ऑफ देयर लेसर थिकनेस। तो इनके थिकनेस भी कम होता है और इनके बीच में गैप होता है, तो इसके वजह से फाउंडेशन पे जो लोड है इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इनर एंड आउटर लिप्स ऑफ द वॉल। ओके, जो इनर लिप है और जो आउटर लिप है इनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके तो ये सारा है एडवांटेजेस ऑफ कैविटी वॉल्स। तो दोस्तों ये है कैविटी वॉल के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।